हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू गाइस आर वाचिंग आपका अर्जुन और मैं हूं आपका अर्जुन। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल एंड फाइन। मिल लो मम्मी से, बोल दो हैप्पी छोटी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली गाइस आप सबको। हेलो गाइस, हैप्पी छोटी दिवाली, आपका दिन शुभ हो। छोटी दिवाली आपकी बहुत अच्छी रहे, आने वाली बड़ी दिवाली कल की, उसके लिए आपको अभी से शुभकामनाएं। और पापा की शर्ट देखो कितनी प्यारी लग रही है। क्या लग रही है? थैंक यू, मेरी भी बढ़िया लग रही है। आज घर में तीन बंदे नहा लिए और एक बंदा नहीं नहाया, बताओ कौन? तो आओ चलो चलते हैं, पापा और मेरे को फिर से आज जाना है नोएडा, तो फटाफट मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, वरना ये इंसान मेरे को मारेंगे। बहुत लेट करा दिया मैंने, तो मिलता हूँ आपसे आगे। जय माता दी। और आज धूप निकल गई है थोड़ी थोड़ी गाइस, इतने दिनों बाद धूप निकली है, मज़ा आ गया। वरना ऐसा मौसम हो रखा था दिल्ली में, इतना पोल्यूशन, अजीब सा मौसम, आँखों में चुभ रहा था वो पोल्यूशन। अब जाकर थोड़ी राहत है, लेकिन वही है, आज छोटी दिवाली है, कल दिवाली है, पटाखे फूटेंगे, पोल्यूशन थोड़ा सा फिर हो जाएगा। जहाँ पे हमें जाना है वो रास्ता यहाँ से भी तो जाता होगा। ओके, अरे हाईवे मेरे को पसंद नहीं है यार। अरे बट ये वाला हाईवे बड़ा जीप सही है। ओहो, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। एक ना इस वाले हाईवे में वो भी है, एक कट आता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, वरना अगर तुमने उस कट का ध्यान नहीं रखा ना, तो फिर उस वाले हाईवे पर टू व्हीलर अलाउड नहीं है, और अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो सीधा 20,000 रुपये का चलान है। इसलिए मेरे को ये वाला हाईवे इतना पसंद नहीं है। ये देखो, ये हाईवे इसलिए भी बुरा लगता है, हाईवे क्योंकि ये है ही नहीं। अब हो जाएंगे जाम में 2 घंटे बर्बाद। गाइज, नॉर्मल रोड्स पे तो चलो जाम समझ में आता है, पर ऐसी हाईवे जैसी जगह पे जाम, बताओ। ये हाल है दिल्ली का गाइज, कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए और हम इसी जाम में फंसे पड़े हैं। फाइनली जाम ख़त्म हुआ। इतनी गर्मी लग जाती है ना जाम में, और अब थोड़ा सा ट्रैफिक खुल गया है। जाम में खड़े खड़े पसीने आ गए थे, लेकिन अब ये हाईवे पे चल रहे हैं ना, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना जाम में तो बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। एक तो हेलमेट, फिर पसीना, बहुत दिक्कत होती है। ये देखो उल्टी साइड आ रहा है बेवकूफ़। तो गाइस, काम हो गया, कुछ सामान लेना था नोएडा से। यार गाइस, पेट्रोल भरवाना है स्कूटी में, और मेरे को पता नहीं है कोई नियरेस्ट पेट्रोल पंप है भी कि नहीं। रिजर्व में लग चुकी है स्कूटी, पता नहीं इतने पेट्रोल में मैं घर पहुंच पाऊंगा या नहीं। और रास्ते में पेट्रोल पंप का कोई आइडिया नहीं है कि कहीं पे आता भी है कि नहीं। स्टैंड लगा अंकल, स्टैंड लगा। ऐसे गाइस, राह चलते वक्त मदद कर दिया करो, अगर किसी का भी लगे ना कि स्टैंड लगा है, तो भाई वो तो तुम्हारा काम है कि भाई उसको फटाफट बोलो कि वो स्टैंड ऊपर कर ले। बाकी आपको धूप बहुत लग रही होगी देखने में, लेकिन धूप है, लेकिन इसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ठंडा मौसम हो रखा है। अब मेरे को रास्ता पता पूरा, पापा कह रहे हैं यहाँ से राइट मार ले, अब देखते हैं कहाँ से लेके जाएंगे। यहाँ से कहाँ? सीधा जाम में, जल्दी बताओ, यहाँ से सीधा। राइट या लेफ्ट डिसाइड कर लो पहले। कहाँ पे? यहाँ पे भी यार कहीं पे आता है पेट्रोल पंप। फुल कर देना भैया। हो गया स्कूटी का टैंक फुल। आपको पता था इधर पेट्रोल पंप है? पता था आपको इधर पेट्रोल पंप है? झूठ बोल रहे हो, ऐसे तुक्के में ले आए आप। पता तभी तो लाया इधर को। तुक्के में लाए हो, तुक्के में लाए हो, तुक्के में। नहीं निकला, नहीं निकला, नहीं निकला। तो गाइस, अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं थोड़ी सी दिवाली का सामान लेने, आओ फटाफट चले। खत्म ही नहीं होता, रोज बाजार जाके कमर की वाट लग गई।
पर कहते ना जब तक दिवाली लास्ट मोमेंट तक मतलब शॉपिंग 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 यही होती रहती है। चलो गाइस चलते हैं, भीड़ देख लो गाइस कितनी हो रही है मार्केट में, ये देखो। चलो हीरा चोट सीधा गाइस ओपन हो गया, बता डोडा बर्फी खत्म हो गई, सिर्फ आधा किलो अवेलेबल। ये नई ब्रांच खुली है ना यहाँ पे, काम वाम चल रहा है अभी, काम क्यों नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा है, पता सुबह से लेने वाले कितने हैं, दूसरी ब्रांच में जा रहे हो अब। हीरा स्वीट्स आ गए मेन लक्ष्मी नगर वाली ब्रांच में, और देखो 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 देख लो कितनी भीड़ है भैया, गाइस फाइनली कर ली शॉपिंग, बेसिकली स्वीट्स ही लेनी थी। देखो मम्मी कहा है, कितनी भीड़ थी ना वहाँ पे, पन्नी पैक करने के लिए 15 लोग अलग से लगा रखे हैं। तो गाइस काम ही नहीं खत्म होता, अभी एक और काम है घर पे। रुक जाओ रुक जाओ, फिर कर दो, कर दी तूने वो क्या डेकोरेशन घर की, नाइस नाइस। ये देखो गाइस अभी हमने ये लगाया, और अभी मेन गेट पे भी लगा रहे हैं, वैसे मेन गेट ही है लेकिन हम इसको इतना यूज़ ही नहीं करते, हम अपना दूसरे वाले कमरे से जो गेट खुलता है उसको यूज़ करते हैं। बाकी इधर भी कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव लगाना था, दिवाली है सजाना था पूरा घर, तो यहाँ पे ये सजा दिया। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। तो गाइस इससे मिल लो, हेलो क्या करने वाले हो भैया, इधर नहीं आगे आगे थोड़ी सी आगे, मतलब टूटी है थोड़ा, इधर खाड़ा खाली स्पेस है ना, यहाँ करते हैं अंदर लड़ी मुंह का छाप लड़ी। चल चलो पीछे हो जाओ, जिथे लोड हुंदी बोलने दी उत्थे जट फायर कर दे। तो गाइस अब शाम हो गई है, तो आओ करते हैं दिवाली की थोड़ी सी पूजा। कितने हैं? एक इधर रहते, दो और बच्चे ना, दो उधर की साइड, अपने घर की तरफ थोड़ा ना, हाँ इसको भी थोड़ा साइड में रखी हूँ। लग रहा बढ़िया, ये देखो गाइस अभी हमने फूल लगाए थे, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बाहर जो मेन गेट है ना गाइस, मैंने उसमें भी फूल लगाए हैं, आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो ये फ्लावर्स लगाए थे, और लाइटें तो आपने कल देख ही ली थी। इंसान बनने में बड़ा टाइम लगता है, हाँ जानवर बनने में टाइम नहीं लगता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज सुबह मैं अकेले उठ गया था और ये सारे अच्छा, सो रहे थे, उठी थी, मैंने बाहर की लाइटें बंद करी थी, तो वो उठना नहीं कहते, आप उठ के सो गए थे, उठ के आप सो गए थे, मैं प्रॉपर उठा हूँ, बेड छोड़ा मैंने, सारी लाइटें बंद करी है, वो बल्ब बंद। अब तू ये बात क्यों बोल रहा है, मैं सुबह जल्दी उठ गया था,
क्योंकि गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि मैं टाइम का कितना पंक्चुअल हूँ, चाहे मैं रात के 2 बजे से हूँ, सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ। अलार्म लगा था मैंने। और गाइस अभी हम सब पी रहे हैं चाय और अपनी फैमिली के साथ, कम से कम नहीं तो दिन के 10 मिनट आराम से बैठ के टाइम स्पेंड करा करो, बहुत जरूरी होता है। और बताओ, मजा आता है। और आज मैं इतना थक गया हूँ, आपने व्लॉग ही देखा होगा, सुबह सुबह इतने जाम में फंस के पापा के साथ गया, उसके बाद मम्मी के साथ गया, लाइनों में लगा हूँ, इतना काम करा है मैंने कि क्या बताऊँ। और कुछ लोग घर पे बैठे रहते हैं, उसके बाद घर के बाहर फूल लगाए हैं, और अपने छोड़ो, अपने एक पड़ोसी में एक दीदी थी, उनके घर के भी फूल लगाए हैं। कल तेरी ड्यूटी है ना बेटे? 11:30 बजे। चलो दिवाली मना के पूजा करके ही जाएंगे ना। कहाँ पे जा रहे हो कल आप? कल कहाँ की ड्यूटी है? शिकागो। मेरे को भी ले चल यार, कभी अपनी क्या कहते हैं केबिन क्रू वाले बैग में पैक करके। बाकी कल कोई काम नहीं करूंगा, कल हूँ मैं छुट्टी पे, ठीक है? क्या कल छुट्टी पे? इतना काम करा, आज इनाम मिलना चाहिए। कल मेरे को दिवाली गिफ्ट क्या होगा मेरा? कल 2 रसगुल्ले फालतू खा लियो भाई। नाइस। एक डोडा बर्फी मिल जाते खा लियो। नाइस। ठीक है? नाइस। बस आप आगे मत बोलिए, मेरा पिताजी इतने में ही पेट भर गया, मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज खाने में क्या बनाओ गाइस? कल के अगर आपने व्लॉग की एंडिंग देखी होगी तो मम्मी ने कहा था कि मम्मी चिल्ली पनीर बनाएंगी, और सच में मम्मी ने बहुत प्यारा बनाया था, वो मेरे को तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा? बहुत ही मजेदार जी, पता नहीं तारीफ करूं क्या तेरे चिल्ली पनीर की। गाइस मेरे को तो बहुत ज्यादा यम्मी लगा, और आपने बहुत अच्छा बनाया था। मैं तो आज दिन में दुकान में भी चिल्ली पनीर ही याद कर रहा था तुम्हारा। क्या चिल्ली पनीर बनाई थी, आरा रोड डाल के। मतलब यार वो जो डलता है ना, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें डलती है जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, आरा रोड वगैरह, बट फिर भी वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब वंस इन अ वाइल मंथ में एक बार तो खा ही सकते हो आप, बट मेरा तो फिर से खाने का मन कर गया। ये आपने देखे, हमने दरवाजे पे फूल लगा दिए। बहुत मेहरबानी तुम्हारी, हमने दरवाजे पे फूल। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बहुत काम करा गाइस आज, बहुत ज्यादा। मतलब मेरी मम्मी को मेरे सामने आज 56 भोग लग देने चाहिए। बात बताओ, आज सुबह मैं भी आपके साथ लाइन में लगा हूँ, मैंने भी काम ही करवाया, उसकी तरह घर तो नहीं बैठा, पूरे दिन घर बैठी है वो आज। तो क्या हो गया? बर्थडे पे, फिर बर्थडे पे अगर जो उसको मिलेगा वो मेरे को भी मिलेगा, ठीक है? बाकी गाइस यही था इस व्लॉग पे, मिलता हूं। उसका बर्थडे पे कुछ दे ही नहीं रहे। नहीं दे रहे ना तो मेरे को दे देना। तो गाइस क्या कर रहे हो? तो गाइस यही था इस, कमा रही है जो चाहे ले ले। तो गाइस कमाएगा तू भी जो चाहे ले लियो, तू कमाएगा जो चाहे ले लियो। उसमें भी 10 बात पहले मेरे को 10 जगह बातें करनी पड़ती है, ले लू। तो गाइस यही था इस व्लॉग में, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी छोटी दिवाली आप लोगों को, और सेफ रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। बाय बाय।